बचपन की कुछ झलकियां दिखाऊंगी। अहिल्याबाई होलकर का जन्म सन 1725 में चौंडी गांव के पाटिल श्री मानकोजी शिंदे के यहाँ हुआ। वे बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थी और शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। जब प्रांत के सूबेदार मल्हारराव होलकर को किसी काम से चौंडी आना पड़ा तो वे अहिल्या की होशियारी और बुद्धिमानी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने बेटे खंडेराव का विवाह अहिल्या से करा दिया। विवाह के पश्चात अहिल्या को एक ऐसा अधिकार प्राप्त हुआ जो वर्षों से किसी नारी को नहीं प्राप्त हुआ था, शिक्षा का अधिकार। और इस शिक्षा का अधिकार पाने के लिए उन्हें बहुत सी कठिन परीक्षाएं देनी पड़ी। उन्होंने पढ़ाई करके नारी शिक्षा का द्वार खोला। विवाह के 21 साल बाद खंडेराव की मृत्यु हो गई और खंडेराव की मृत्यु के 13 साल बाद अहिल्याबाई को गद्दी सौंप दी गई। अहिल्याबाई ने अपनी प्रजा के लिए बहुत से नए कार्य किए और सन 1795 में उनकी मृत्यु हो गई। आज मैं आपको उन्हीं के बचपन की कुछ झलकियां दिखाऊंगी। शिवजी, आप तो जानते हो ना, मुझे पढ़ने की कितनी इच्छा है और दादाजी भी कहते हैं पढ़ना ना बहुत अच्छी बात होती है, फिर भी देखो ना ये सब चाहते ही नहीं कि मैं पढ़ूं और कहते हैं कि पढ़ाई तुम्हारे काम की नहीं है। पर शिवजी, मैं ये तो नहीं जानती कि मैं इस परीक्षा में सफल होऊंगी या नहीं, पर ये जरूर जानती हूँ एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब किसी भी लड़के को पढ़ने के लिए परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। और शिवजी, आप जानते हो मुझे ना झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है और दादाजी भी कहते हैं झूठ बोलना ना बहुत बुरी बात होती है, और दादाजी ये भी कहते हैं कि अगर हम सच बोले और सबके बारे में अच्छा सोचे ना तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है, इसलिए मैं कभी झूठ नहीं बोलती और हमेशा सबकी मदद करने की कोशिश।